कोतमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत नगर पालिका परिषद पसान में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण लगभग 3 साल पहले किया गया था। जनवरी 2022 में माननीय श्री बिसाहू लाल विधायक जी के हाथों से उद्घाटन कर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का शुभारंभ किया गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था काबिले तारीफ है, लेकिन शासकीय कर्मचारियों के अभाव में आज भी पसान का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अधूरा है। लंबे चौड़े बजट से और लंबे चौड़े स्थान पर जितनी सुंदरता से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया, उतनी ही अंदर में स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर खोखला दिखाई पड़ता है, क्योंकि शासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के प्रयास कर नई नई योजनाएं लागू कर रही हैं, तो दूसरी तरफ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों एवं स्टाफ की कमी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने में ग्रामीण जनता से वंचित रही है। पसान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जनता को भी सभी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने को ध्यान में रखकर पीएससी का निर्माण किया गया था, जिससे जनता कहीं और नहीं भटके, अधिक से अधिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सके। लेकिन देखने पर सच्चाई सामने आई। नगरपालिका परिषद पसान के अंतर्गत ग्रामीण जनता की सुविधा के लिए डिलीवरी रूम तो बनना है, लेकिन आज दिनांक तक डिलीवरी करवाए जाने वाली कोई भी सामग्री उपलब्ध नहीं है। लैब में जांच संबंधित पर्याप्त सामग्री उपलब्ध नहीं है। एक लैब टेक्नीशियन है, लेकिन नामात्र बैठने के लिए है। जिस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पर्याप्त मरीज ही नहीं आते हैं, तो ऐसे स्थान पर 2 स्टाफ नर्स बैठकर टाइम गुजारने के लिए कार्यरत है। एक ANM और जिसका दिन मलेरिया कक्ष में बैठकर गुजर जाता है। डॉक्टर नहीं है, नहीं अपने आप यहाँ पे डॉक्टर नहीं है, एक ही डॉक्टर है जो अटैच पहले थे, अनुराग डॉक्टर, श्री अनुराग ठाकुर, वो भी अभी तक ही हैं, पर वो तीन वो हो गया, जब जब मतलब कुछ जरूरी अर्जेंट होगा तभी आएंगे, वैसे तो नहीं। तो जैसे अभी जानकारी वो आपके क्या है, एक जो बैठे हैं पर किस कोर्स पे? हाँ, वो LT हैं। LT बोलते हैं ऑनलाइन डॉक्टर लोग, ऑनलाइन लोग डॉक्टर को कंसल्ट करा रहे हैं। तो ये किसके जरिए करवाया जा रहा है ऑनलाइन? ये शासन के द्वारा है कि प्रशासन के द्वारा कराया जा रहा है? ये तो मेरे को आइडिया नहीं है दीदी, शायद ये मेरे ख्याल से शायद शासन के द्वारा हो, शासन द्वारा शायद, मेरे को इतना क्लियर नहीं मालूम कि किसके द्वारा है, ये वही बता पाएंगे LT ही। ठीक है, नहीं इसके लिए तो हम CMO साहब से बात कर लेंगे। हाँ, क्योंकि अभी PSC आज का तो बना नहीं है, यहाँ पे तो डॉक्टर एक कंटिन्यू होना चाहिए, पब्लिक आती हैं। जो एक एक मैडम थी, क्या नाम आप जानते हो? अलका मैडम वो चली गई, वो पीजी करने चली गई हैं। उनके बाद कोई नहीं, उनके बाद वही है अनुराग ठाकुर, मतलब नाम है अनुराग ठाकुर, लेकिन डॉक्टर लापता नहीं आते। उनके अंडर पे 3 PSC है, वो अटैच पे हैं, वो तीनों जगह पे अटैच हैं, तो वो कहाँ जाएंगे? जाते ही नहीं है वो तो, CSC कोतमा में बैठते हैं ना, रहते हैं। वो हो गया, कभी वहाँ चले गए, चोरी चले गए, या फिर प्यारी यहाँ, जब उनका मन होगा तब। अच्छा, मन अपने हाँ, जब कुछ ऐसे काम होगा तभी, बाकी वैसे। और जो बाकी पेशेंट आते हैं उसके लिए कैसे क्या होता है व्यवस्था? पेशेंट वही है, यही सिस्टर लोग सब OPD पर्ची करती हैं, और मेडिसिन मतलब सारा जो भी पेशेंट आता है किसी भी बीमारी का, मैं स्टाफ नर्स उसको मैनेज करती हूं। सब स्टाफ नर्स और GNM और ANM मैनेजमेंट करती हैं, बस इनके अलावा कोई नहीं। और एक जो भैया है श्रीराम भैया, सियाराम किस पोस्ट पे? वो तो अभी ऐसे ही रखा गया है, वो फार्मासिस्ट की, उसमें वो शायद कहीं से वो किए हैं, मुझे सीखे हुए, बाकी उनको भी कोई पोस्ट नहीं है। पोस्ट नहीं? नहीं नहीं, मतलब वो बिगर पोस्ट के मतलब ऐसे ही रखा गया। और यहाँ पे डॉक्टर पदस्थ नहीं है? पदस्थ है डॉक्टर, नहीं कौन से डॉक्टर पदस्थ हैं? अनुराग सिंह, डॉक्टर अनुराग सिंह हाँ आते हैं। अच्छा। और हमारा जो अच्छा बीच बीच में आते हैं, मतलब सारा नहीं, यहाँ के व्यवस्था के अनुसार, यहाँ की व्यवस्था के अनुसार मतलब डॉक्टर मतलब डेली बैठने वाला नहीं है, ऑनलाइन डॉक्टर अभी देखो। नहीं, मैं जो पूछ रही हूँ, मैं ये आपसे मैं आपसे यही क्वेश्चन कर रही हूँ, देखिए ऑनलाइन ट्रीटमेंट होना या पेशेंट को देख के जांच करके मतलब वो करना, उसमें अंतर होता है। तो मेरा पूछने का मतलब ये है कि अभी डॉक्टर यहाँ पे आपके पसान हॉस्पिटल के अंदर में पदस्थ नहीं है, मतलब उनको व्यवस्था रूप में रखा गया है ना? ये BMO सर जाने
नहीं, मैं सब पूरे अस्पताल, आप ही मत घबरा, मतलब सब अस्पतालों का ले रही हूँ, सबका चौड़ी पूरी हर अस्पताल में PSC जहाँ जहाँ बनी है। क्या है भैया, ये कोई वो वाली बात नहीं है। देखिए, जब व्यवस्था नहीं है तो व्यवस्था करवाई जाएगी, डिमांड की जाएगी। और मान लीजिए यदि व्यवस्था है और तब कर्मचारी उपस्थित नहीं है तो वो उनकी गलती है। ऑनलाइन कंसल्टेशन कराना, जिसमें स्पेशलिस्ट सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं ऑल इंडिया के, जिसमें जनरल मेडिसिन के MD मेडिसिन है, पीडियाट्रिशियन, बच्चों के डॉक्टर्स हैं, गायनकोलॉजिस्ट हैं। ये तो कहाँ से ऑनलाइन कहाँ से ट्रीटमेंट देते हैं? ऑनलाइन डॉक्टर्स देते हैं। नहीं, ऑनलाइन डॉक्टर्स देते हैं कहाँ के डॉक्टर, मतलब ये पूरे इंडिया के डॉक्टर्स हैं, भोपाल के भी डॉक्टर हैं, सागर, बिलासपुर, राजस्थान और चेन्नई, हैदराबाद, दिल्ली, नागपुर, गुजरात, सभी जगह के डॉक्टर्स हैं, सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं जी। और उनके द्वारा पेशेंट का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, जो सारे जितने PSC हैं वहाँ पे ऑनलाइन है, सब जगह है ना, मतलब ऑनलाइन हो रहे हैं सारे, बाकी कई PSC में डॉक्टर्स भी बैठ रहे हैं। अच्छा, मान लीजिए कोई क्रिटिकल केस आ गया, ऑनलाइन ट्रीटमेंट देते हैं, अगर क्रिटिकल आया तो? सुनिए, मेरी यही बोलने के बाद कि आपका तो ऑनलाइन आपने बीमारी पूछी डॉक्टर ने और बीमारी के अनुसार सजेस्ट कर दी दवाई कि आप ये टेबलेट लीजिए, है ना, ऑनलाइन मान लीजिए ट्रीटमेंट दे दिया। लेकिन मान लीजिए कोई क्रिटिकल केस आ गया, उस समय की स्थिति में मतलब तो कौन क्या ऐसा केस अभी नहीं आया, बाकी अगर आता है तो रेफर नेक्स्ट हायर सेंटर में। आपके पसंद में हॉस्पिटल में डिलीवरी नहीं होती? नो, डिलीवरी पॉइंट नहीं, डिलीवरी पॉइंट नहीं, आते तो होंगे केस, रूटीन चेकअप होता है, फिर CSC हम भेज देते हैं, रेफर कर देते हैं। तो उसके लिए मतलब कौन रेफर करता है? नर्स, स्टाफ नर्स। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पसान में 3 सालों से आज तक ना ही पर्याप्त मात्रा में फर्नीचर ही उपलब्ध है, टेबल कुर्सी बेंच नदारद है। बीमार जनता प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए आए भी तो कहां बैठे सोचने पर मजबूर है। कोतमा से निर्मला सिंह की रिपोर्ट, प्राइम 80 न्यूज।